नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। मैं हूँ आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ग्राम केशवाही के मरखी माता मंदिर में बिसाहू लाल जी ने उपचुनाव को लेकर मरखी माता मंदिर में मनोकामना मांगी थी, जिसको लेकर आज मरखी माता मंदिर में मंत्री बिसाहू लाल व उनका परिवार हवन पूजन एवं भंडारे का कार्यक्रम कराया गया, जिसमें अनूपपुर एवं शहडोल जिले के प्रशासनिक अधिकारी व भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही सोहागपुर SDM धर्मेंद्र मिश्रा, जनपद CEO संजीव तिवारी, बुढ़ार तहसीलदार भरत सोनी, बुढ़ार थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान एवं समस्त वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जहां इस कोरोना महामारी में आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, वहीं कोरोना महामारी से न जाने कितने राज्य प्रभावित हुए हैं और कोरोना का खतरा न जाने कब तक रहेगा। इस महामारी ने अपना जाल हर राज्य में फैला कर रखा हुआ है। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि कोई भी कार्यक्रम भीड़भाड़ वाली जगहों में न किया जाए, लेकिन उनके आदेशों की उड़ रही है खुलेआम धजिया। ऐसा ही एक कार्यक्रम आज दिनांक को ग्राम केशवाही के मरखी माता मंदिर में किया गया। माननीय बिसाहू लाल कैबिनेट मंत्री एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री जी के मार्गदर्शन में आज यह कार्यक्रम किया गया। बिसाहू लाल ने मरखी माता मंदिर में पहुंचकर हवन करते हुए पूजा पाठ का कार्यक्रम किया। जगह जगह से अलग अलग विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं कुछ समय बाद जैतपुर विधायिका मनीषा सिंह वाजिला, अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह, नवनिर्मित नगर परिषद बखू CMO रविकरण त्रिपाठी, डॉक्टर ओम नारायण त्रिपाठी, चेतराम शर्मा, मोहम्मद रशीद, विक्रम सिंह, भाजपा कार्यकर्ता राम सागर उर्फ आदि और भी अलग अलग जगह के पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। सभी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम को शांति पूर्वक रूप से सम्पन्न किया गया। साथ ही सांस्कृतिक नृत्य का भी कार्यक्रम किया गया। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।